लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवांशनः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवांशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण हनुमान लाल की जय। श्री राम जय। श्री राम। सो भाई और बहनों, आज 30 दिसंबर है और 2023 का ये अंतिम शनिवार है। तो मैंने सोचा कि हम जो साल भर 2023 में श्री रामचरित भवन के इस आभासी पटल पर, वैसे तो सारा विश्व ही आभासी है, सब कुछ आभासी आभासी है, तो इस आभासी पटल पर जो जो कार्यक्रम हो रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, तो उन पर थोड़ा सा मंथन किया जाए, मंथन पर मंथन। तो मुख्य उद्देश्य यह है कि आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो जो कार्यक्रम हुए हैं इस साल, उनमें आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगा, क्या कुछ कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ अच्छा नहीं लगा, एकदम ईमानदारी से, ताकि इससे हमें आगे की, अब जो हो से हो गया सो हो गया, उसको तो हम बदल नहीं सकते, बस भविष्य में उससे एक दिशा मिलती है कि किस तरह के कार्यक्रम में सबकी रुचि है, ताकि उनको बढ़ावा दिया जाए और जिनमें कम रुचि है उनको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ये इसका उद्देश्य है। तो मैं आपको आमंत्रित करूँगा अपने विचार प्रकट करने के लिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। ये कई बार ये कहना बड़ा संकोच होता है कि अच्छा नहीं था, तो उसको डिप्लोमेटिक तरीके से कह दिया जाता है। तो आपको डिप्लोमेसी की ज़रूरत नहीं है, अब ये तो भगवान राम का पटल है, यहाँ पे बिल्कुल हम स्पष्ट ईमानदारी से बात कर सकते हैं। तो अभी और मित्र जुड़ रहे हैं, तो मैं सोचा था कि थोड़ा सा एक 10-15 मिनट लेके मैं कुछ जो जो इस 2023 में हम सब लोगों ने मिलकर कार्यक्रम किए हैं, जब मैं आम हम शब्द का प्रयोग करता हूँ तो ये लखनवी वाला हम नहीं है, ये हम सब लोगों का हम है। तो हम सब ने मिलकर क्या 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 कार्यक्रम किए हैं, तो मेरा हम शब्द का वो मतलब है। और इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूँ, आप सब लोगों ने मिलकर जो सारे कार्यक्रम किए हैं, तो मेरे हम का अर्थ है आपने सब ने जो जो कार्यक्रम किए हैं। तो उसका मैंने थोड़ा सा आज सुबह मुझे कुछ प्रेरणा हुई तो पावर पॉइंट बनाया, उसमें कुछ गलतियाँ हैं तो क्षमा करिएगा, वर्तनी वगैरह की उनको ठीक करने का समय नहीं रहा, ताकि थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ कि हम सब ने मिलकर क्या किया, और फिर बाद में और आपको थोड़ा समय भी मिल जाएगा विचार करने के लिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह का आयोजन आज का। इसको मैं संक्षेप में लूँगा, जाए मेरे ख्याल से 15 मिनट से ज़्यादा समय लेने का मेरा मन नहीं है, पर इसमें आप मुझे कहीं भी आप टोक सकते हैं, कहीं कोई बात आपको ऐसा लगे स्पष्ट नहीं है या उसमें कुछ गड़बड़ है, तो आप प्लीज़ स्टॉप मी एनी वेर यू वॉन्ट, ताकि मैं उसको स्पष्ट करने का प्रयास कर सकूँ। तो ये 2023 की एक एक्टिविटीज़ रिपोर्ट समझ लीजिए आप इसको, पर ये रिपोर्ट मैं नहीं समझता कि कंप्लीट है, क्योंकि बहुत 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 जल्दबाजी में आज सुबह मैंने बनाई, सुबह मेरे मेरे मतलब मेरे सुबह यानी करीब 2 घंटे पहले, 1.5-2 घंटे पहले।
तो एक तो आप जानते ही हैं कि पिछले साल 2022 में हमने एक रामायण क्लास आरंभ की थी, और बाद में उसका नाम हो गया रामचरितमानस में डिप्लोमा। तो जो 2023 में आई थिंक तुलसी जयंती के दिन उसका कॉन्वोकेशन रखा था, या क्या उसका हिंदी में कहते हैं, चलो जो भी है, तो उसमें 59 छात्रों छात्री तो से उचित शब्द है ने डिप्लोमा इन रामचरितमानस या रामचरितमानस में डिप्लोमा अर्जित किया था। और जो जितने लोगों ने क्लास अटेंड की थी उसमें बहुत सारे लोगों का ये मत था कि दोबारा करना चाहिए, हम दोबारा जुड़ना चाहते हैं, और वो एक तरह से प्रेशर सा बिल्डअप हो गया। तो फिर आप सब लोगों के आग्रह पर ही फिर दोबारा रामचरितमानस में डिप्लोमा कोर्स का आरंभ हुआ, जिस जो हमने विजयादशमी पर 2023 में आरम्भ किया, और जो आप में से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं वो कोर्स चल ही रहा है अभी तो, और अभी बालकांड समाप्त हुआ है, 2024 में हम प्रवेश करेंगे तो अयोध्या कांड आरंभ होगा और वो अगली तुलसी जयंती चलेगा। तो ये एक मेजर एक्टिविटी 2023 की रही। इसके बाद में फिर हमने पिछले वर्ष 2022 में जब गीता जयंती थी तब ऐसा थोड़ा सा मन बनाया था कि हम भगवद गीता का भी अध्ययन करें, तो उसमें एक अध्ययन के रूप में ही हमने महीने में एक बार प्रयास किया कि गीता के विभिन्न विभिन्न भागों का तो नहीं कहना चाहिए, गीता के विषय में कुछ चर्चा हो। तो जैसे गीता को कैसे पढ़ें सही उच्चारण के साथ, गीता में कृष्ण कहाँ कहाँ हैं, गीता का सार्वभौमिक संदर्भ क्या है, श्रीमद् भगवद गीता आनंदमय जीवन के मूल, परम कल्याणकारी सर्वोत्तम औषधि गीता, चतुश्लोकी गीता। जैसे चतुश्लोकी में यहाँ वर्तनी में गलती है तो मैं चबा जाता हूँ, मैंने उस पर क्लिक करने का भी प्रयास किया पर हुआ नहीं, पर नशा में नहीं तो नहीं कर पाया। और तो इससे थोड़ा सा हमने गीता के बारे में जानने का प्रयास किया, तो और इसको भी अभी आगे बढ़ाएंगे, उसके बारे में बाद में चर्चा करता हूँ। और थर्ड जो ये भी एक एजुकेशनल एक्टिविटी मानी जाएगी वो है जो गत वर्ष जैसा आपको ज्ञात है 2023 में मार्च में 5वीं अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन जो भोपाल में आयोजित हुआ था, और बड़ा सफल अधिवेशन रहा। आप में से बहुत लोग वहाँ आए, पहली बार आप लोगों कई लोगों के पहली बार आपके दर्शन हुए, कई बार पहली बार परिचय हुआ। तो दैट वॉज अ मेजर एक्टिविटी 2023, वो 3 दिन का अधिवेशन था। और तो ये रहा एक तरह से, वैसे तो सारी चीज़ें एजुकेशनल है। फिर इसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूटेड शॉर्ट टॉक्स, यानी जैसे हमने आप में से बहुत लोग हम यहाँ पधारे और शॉर्ट टॉक्स यानी 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट टॉक पर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उसमें कुछ कुछ विषय थे मानस की सुक्तियाँ या मानस में सुक्तियाँ, रामायण में निहित शिक्षाएं, भगवान परशुराम हनुमान एक सक्षम गुरु, वैदिक संदर्भ में श्री सीता जी का चरित्र, राजराजेश्वरी सीता, भगवती सीता, आदर्श नारी के रूप में सीता, फिर राम परिवार पर राम कुटुंब लखनऊ जो एक ग्रुप है जो राम और रामायण पर चर्चा करते रहते हैं, उनके सदस्यों ने अभी राम परिवार पर चर्चा की, फिर लोकोपदेशक तुलसी जी, तुलसी के जीवन के यात्रा के अंत साक्ष, इन सब विषयों पर पिछले वर्ष चर्चा हुई। और दो इस सब अभी तो 2023 ही चल रहा था, 2023 में चर्चा हुई, और भी होंगे कुछ टॉपिक उस हो सकता मुझसे छूट गया हूँ। फिर इनके अलावा इनवाइटेड डिटेल टॉक्स जो पूरा 1 घंटे भर की चर्चा में करीब करीब 1 घंटे की प्रस्तुति विस्तार से इन विषयों पर हुई, जैसे मानस में नारी निंदा। अब इसमें मैं सब वक्ताओं का नाम नहीं ले पा रहा, जो मुझे याद आएंगे तो मैं कहूँगा। राम जनमानस में नारी निंदा सुश्री विनीता मिश्रा जी ने चर्चा की थी, फिर राम राम एक नाम अनेक, राम कथा में समुद्र सेतु बंधन प्रसंग, जो जो भोपाल से ही हैं श्री मनोज श्रीवास्तव, उन्होंने चर्चा की थी, तुलसी के छंद जो हमारे छंद के आचार्य हैं आचार्य ओम नीरव जी ने चर्चा की थी, मानस का सही उच्चारण, रामचरित मानस और रामायण का तुलनात्मक अध्ययन, आदरणीय श्री राकेश चौबे जी ने हम बड़ा अध्ययन किया दोनों ग्रंथों का, उस पर चर्चा की, फिर आदरणीय डॉक्टर राजारानी शर्मा जी ने रामचरितमानस में विशेषण चयन पर चर्चा की, और इस साल के अंत में करीब करीब डॉक्टर कामेश्वरी
जिन्हें मानस से प्राकृतिक सौंदर्य पर चर्चा की। तो ये बड़े विस्तार से चर्चाएं थी जो इस साल हुई, और भी अगर और भी हो सकता है एक दो रही हो जो मुझसे छूट गई हो। और जो चौथी एक्टिविटी मेरे रही है जो एक सिर्फ एक तरह से पाठ है और रेसिटेशन है, जो संक्षिप्त रामायण का पाठ हर मंगलवार को अक्टूबर 2021 से लगातार चला रहा है। इसमें से आप में से करीब 30 लोग बड़े सीरियसली जुड़े हुए हैं, तो हर मंगलवार को आपके जो संक्षिप्त रामायण है उसका पाठ करते हैं। अगर आप उसमें नहीं पाठ करते और जुड़ना चाहें तो उसका भी हर महीने में गूगल फॉर्म में भेजता हूँ, और ताकि आप अपनी डेट दे सकें किस डेट को आप पाठ कर सकते हैं, और तो आप उस हिसाब से आपका आमंत्रित किया जा सकता है। फिर युवकों द्वारा एक सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया था, जिसमें जो युवक हैं 30 साल से कम, जैसे ध्यान आ रहा है, और बच्चे भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने सुंदरकांड का पाठ किया था। फिर श्रावण मास पारायण इस जो पिछले साल किया था इस बार भी गया, श्रावण मास पारायण किया थी 300 दिन, और उसके साथ में उसकी समीक्षा भी की गई। और बाद में नवरात्र में हम लोगों ने नवा पारायण का पाठ किया था। तो ये पाठ के कार्यक्रम हुए इस साल 2023 में। और चूंकि हमारे बहुत सारे मित्र हिंदी के विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, तो उससे प्रेरणा पाकर कुछ समय पहले हमने वैश्विक हिंदी संस्था की स्थापना की। और पर उसमें हमने दोनों चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया कि जो हमारा हमारे धर्म ग्रंथ हैं और हिंदी साहित्य दोनों एक तरह से जुड़ जाएं। तो 2023 के आरंभ में हमने जिन लोगों ने इस पटल पर बहुत बड़ा योगदान दिया है पिछले 3 सालों से, उनमें से कुछ मित्रों को वैश्विक हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित किया। और फिर ओम आकृति विधा, एक नई विधा कविता की प्रभु कृपा से डेवलप हुई, और उस पर कई गोष्ठियाँ की गई, जैसे जो सरस्वती बसंत पंचमी पर सरस्वती वंदना पर ओम आकृति विधा में गोष्ठी हुई, फिर महाशिवरात्रि पर शिव स्तुति में ओम आकृति में गोष्ठी हुई, फिर मदर्स डे पर ओम आकृति विधा में गोष्ठी हुई, रामनवमी पर आप सबने बड़े सुंदर सुंदर मधुर लोकगीत सुनाए, और तो कृष्ण जन्मोत्सव पर 2 कार्यक्रम किए, एक पहले कृष्ण जन्मोत्सव के पहले शनिवार को उनके भजन आप लोगों ने सुनाए, और दूसरे शनिवार को एक काव्य गोष्ठी की गई वो जो भी भगवान कृष्ण पर आधारित थी, कृष्ण पर, कृष्ण लीला पर। और एक नया प्रोजेक्ट इस साल हमने शुरू किया हिंदी में, लघु कथा पर परिचर्चा। लघु कथा भी एक विधा है हिंदी साहित्य की, उसके भी एक व्याख्या तो मैं नहीं कह सकता, पर उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग है विधाकारों में कि लघु कथा क्या है। तो उस पर मैं 3 परिचर्चाएं की, पहली परिचर्चा में तो लघु कथा क्या है इस पर ही चार जो बड़े जाने माने लघु कथाकार हैं उन्होंने आकर अपने विचार व्यक्त किए। दूसरी में उन चारों ने अपनी अपनी दो दो लघु कथाएं सुनाई और उन पर समीक्षा पढ़ा और उन पर चर्चा हुई, समीक्षा हुई। और तीसरी में 12 लघु कथाकारों को आमंत्रित किया जिन्होंने एक एक लघु कथा सुनाई और उनकी समीक्षा की। उससे प्रेरित होकर 2 सप्ताह बाद 13 जनवरी को, जब विश्व हिंदी दिवस है, वर्ल्ड हिंदी डे जो 10 जनवरी को मनाया जाता है, पर शनिवार तो 13 जनवरी को पड़ेगा, तो उस दिन हम 75 लोक कथाकारों का आमंत्रित कर रहे हैं अपने लोक कथा सुनाने के लिए। तो वो कार्यक्रम 6 घंटे चलेगा भारत के समय के अनुसार, शाम को 6 से रात के 12 बजे तक। तो वो कार्यक्रम जैसे जो भी लोक कथा वाचन करने वाले उनको तो सबको सूचित कर दिया गया है, पर आप सबको जैसे समय निकट आएगा आपको आमंत्रित करेंगे। तो वो होगा 13 जनवरी को शाम को 6 से रात के 12। तो आपको जितना समय लघु कथा पढ़ने में रुचि हो, लघु कथा सुनने में रुचि हो, और कहानी किससे जानने में रुचि हो, तो आप अवश्य बता रहे हैं जितना भी समय निकाल सकें। 6 घंटे हर कोई नहीं बैठ सकता मैं समझता हूँ, मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा, सुबह 6:30 बजे शुरू होगा, तो उस समय तैयार होकर यहाँ पर बैठना, देखते बिल्कुल हैं आगे प्रभु क्या करवाते हैं। और 2024 में हमें क्या करना चाहिए, उसको अंग्रेजी हम कहते हैं विश लिस्ट, बिल्कुल हमारी ये विश है, अभी करेंगे नहीं करेंगे ये सब आप करना आपको, ये आप पर डिपेंड करता है। पर मैं मेरी जो लिस्ट है वो ये है, एक तो एक ओम आकृति पीयूष
काव्य संकलन हो रहा है, तो उसकी कविताएं तो आ गई हैं, पर का उसकी लास्ट डेट भी कभी की निकल चुकी, पर उसका जो एवेल्यूएशन और चयन अभी नहीं हुई, प्रक्रिया भी आरम्भ नहीं हुई है। तो लघु कथा का कार्यक्रम पूरा होने के बाद में ये इमिडिएटली ये टास्क शुरू हो जाएगा। तो ये तो प्रभु ने चाहा तो ये हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ काम हो चुका है। हम करीब 3 साल से हम 7-8 मित्र एक मानस के शब्दकोश पर काम कर रहे हैं। काफ़ी कुछ काम हो चुका है, पर अभी भी काफ़ी कुछ करना बाकी है। तो मन में भाव तो है कि 2024 में ये पूरा हो जाए, आगे राम जी की मर्जी है। लघु कथा पर महागोष्ठी की मैंने अभी बात की, ये 13 जनवरी को है, और इन्हीं इसी से प्रेरित होकर एक संकलन प्रकाशन का मन में भाव आया है। अभी मैंने मित्रों से बात नहीं की है, उनकी अगर एक बार सहमति मिल जाए तो इस पर शायद हम संकलन प्रकाशित कर सकें। गीता पर एक शब्द अनुक्रमणी का मैं बना रहा हूँ, कई काफ़ी समय से शब्द अनुक्रमणी का तो बन चुकी है, पर उसका शुद्ध साथ में आप में से कई मित्रों ने सलाह दी कि साथ इतना काम किया तब शब्दकोश भी बना दीजिए। तो शब्दकोश का काम चल रहा है, पर चूंकि अभी मानस शब्दकोश पर ज़्यादा फोकस है, इसलिए वो ये काम जरा स्लो हो गया है। पर राम जी ने चाहा तो ये हो सकता है 2024 में इसको भी पूरा कर सकें। 2022 में हमने छंद विज्ञान पर एक कोर्स किया था, जो आचार्य ओम नीरव जी लखनऊ में रहते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं छंद विज्ञान के, बहुत बड़ा ज्ञान है और अपने मंच पर कई बार आ चुके हैं। तो कई लोगों का आग्रह था कि इसको दोबारा करिए, तो आचार्य जी ने कहा कि अब दोबारा उसको लाइव करने की तो आवश्यकता है नहीं, उनसे सलाह भी की हमने। तो जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड यूट्यूब वीडियोज़ हैं उन्हीं को हम भेज सकते हैं, जो भी करना चाहें और वो कर सकते हैं। तो ये छंद विज्ञान का ऑनलाइन कोर्स शुरू होगा यही जनवरी में, मिडिल जनवरी में। इसमें 63 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, मैं बार बार आपको जानकारी भेज चुका हूँ, अभी भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक टोकन फीस ज़रूर रखिए 500 रुपये, वो इसीलिए कि जो सीरियस हों वही जुड़े हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे जुड़े हैं जो सीरियस नहीं होंगे, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है जब सीरियस हो तो होते हैं लोग 20 और जुड़ जाएँ 200, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, कोई किसी को लगता है कि भाई 500 रुपये देना भाई मेरी सामर्थ्य के बाहर है तो आप मुझे लिख दें, तो बिल्कुल हम इमीडिएटली आपको फीस से मुक्त कर देंगे। वो 500 रुपये कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है। फिर एक जैसे भगवद गीता पर भी एक कोर्स आरंभ करने का मन है, पर उसके लिए कुछ ना तो समय मिल पा रहा है, ना कोई योग्य शिक्षक मिल पा रहा है। तो वो भी करेंगे प्रभु ने ज्यादा हो रहा है, ये चूंकि रामायण का कोर्स चल रहा है इसलिए उसके लिए समय भी नहीं मिलता कि उसको भी हम कर सकें, पर भविष्य में भी करेंगे। एक नया विचार मन में आया है कि हम करीब 4 साल से ये सारे प्रोग्राम आप सब लोग मिलकर कर रहे हैं, तो और वो सब रिकॉर्डेड हैं यूट्यूब पर, तो हम और क्विज में रामायण कोर्स हमने देखा पहले कोर्स से भी, अभी दोबारा चला इससे भी, कि आप लोगों को क्विज में बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ी रुचि आ रही है ये क्विज से, हमें बड़ा आनंद लगा। तो एक मन में भाव आया कि जो हम लोग अब तक जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड हो चुके हैं, तो रामायण पर ही नहीं और भी जैसे भी अभी मैंने बताया था गीता पर हमने इतने सारे वक्तव्य भी किए, और रामायण पे या शिव जी पे, तो उन पर फिर एक क्विज बनाई जाए और उसको एक क्विज माला के रूप में हर सप्ताह सबके लिए भेजा जाए, और ताकि आप उस यूट्यूब को देख कर अध्ययन स्वयं अध्ययन कर उस क्विज को दे सकें, और थोड़ा सा और आनंद ले सकें, ज्ञान अर्जित कर सकें। फिर छठवां अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन तो आपको पता ही है, 21, 22, 23 मार्च को जयपुर में आयोजित है, तो उसमें आपका आना तो एकदम आवश्यक है। सो ये बेसिकली ये जहाँ तक मुझे ध्यान है इतनी सारी एक्टिविटीज हुई हैं, और ये 2024 का, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम करें, कुछ कुछ तो आप खुद कमिटेड हैं, जैसे ओम आकृति पीयूष कमिटेड है, वो तो हम करना ही पड़े कर रहे ही हैं, मानव शब्दकोश तो काफ़ी काम हो चुका है, पर कुछ चीज़ें हैं जैसे आप गीता पर कोर्स करें ना करें, या आप पर डिपेंड करता है, या साप्ताहिक क्विज वाला इसको करें ना करें, या आप पर डिपेंड करता है। तो और आपके आपके और अपने विचार हो सकते हैं कि नहीं ये करना चाहिए जो हम नहीं कर रहे, तो आप निसंकोच करें। अब इस स्लाइड पे मैं बाद में आऊँगा कि मेरी आपसे क्या अपेक्षा है, पर अभी अभी मैं यहाँ रुक जाता हूँ और इसको करता हूँ बंद, कैसे बंद होगा अभी।
आपके अब इस प्लेटफॉर्म को मैं आपके लिए हम खोल रहा हूँ। अब ये मंच आपका है, वैसे भी मंच आपका है और आप तो पूरी तरह आपका है, तो आप अपने विचार प्रकट करें कि जो अब तक हमने इस 2023 में क्या किया, इसके पहले सालों में भी क्या किया। आप कई लोग बिल्कुल आराम से आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए किस प्रकार की एक्टिविटीज़ आपको लग रहा है हमें करनी चाहिए, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए या कम करनी चाहिए, किसको बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा भी हो बिल्कुल ओपन माइंड से और बिल्कुल एकदम स्पष्ट खुले मन से। मन की बात, शनिवार को मन की बात का कार्यक्रम होता है, तो हम भी मन की बात कर लें आज। तो हम बहुत बड़े मंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो नहीं है, पर हम आपस में एक दूसरे की बात सुनी सकते हैं। तो जय श्री राम, आपका स्वागत है। सभी शांत रहेंगे तो फिर कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो प्रणाम भाई साहब। पहले कौन, चलो हमारी स्मिता भाभी बिल्कुल एकदम इनिशिएटिव ले रही हैं सबसे पहले, तो मैं भी नोट लूंगा, पर आप लोग भी कोई लेट मी शिव शिव यू आल्सो ट्राई टू टेक सम नोट्स। ठीक है, अब वैसे रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, पर बाद में रिकॉर्ड कौन सुनेगा। हाँ भाभी कहिए। जय सियाराम, प्रणाम। मंथन के सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे होते हैं और हम जैसे नव सीखिए भी अब सीखने लग गए हैं। हम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सब पर्वों को भी सम्मिलित करते हैं। जैसे आज 2023 के समापन की पूर्व संध्या पर हम अपने अंदर झांक कर मंथन कर रहे हैं। चाय पर चर्चा और मन की बात तो बहुत सुनी है, पर आज हम रामचरित मंथन पर मंथन के द्वारा यह सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। पर अक्सर हमें अपनी गलती तो दिखाई नहीं देती है, जैसे कि समय का पालन नहीं करते हैं, म्यूट अनम्यूट, फीस खत्म हो गई तो भी बार बार रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो हम सबको सीखना है और जो सीख रहे हैं उसको जीवन में उतारना है, और अनावश्यक वाद विवाद से बचें और सबका सहयोग करते रहें। बहुत अच्छा चल रहा है। अंत में यही कहूंगी, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से चलता रहे। प्रणाम, जय सियाराम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से सुझाव दिए। हाँ थैंक यू सो मच। दिनेश जी कुछ कहना चाहे थे हम हाँ दिनेश लोग। जी, जी जी हाँ सर, जी जी प्रणाम प्रणाम भाई गुप्ता साहब, नमस्कार, जय श्री राम। गुप्ताओं का विशेष मैं स्वागत है यहाँ पर। जी एक्चुअली जैसे आप पहले तो, क्योंकि मैं तो इस मंच पर बिल्कुल नया हूँ, लेकिन जो मैं थोड़ा बहुत अनुभव रखता हूँ उसके आधार पर, जैसे आप इतना प्रयास करते हैं हर रोज, इतने सारे व्हाट्सएप उनका जवाब, इतने सारे क्विजेज, मेल्स, बहुत सारा काम कर रहे हैं, जो भी आपके साथ जो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इस सारे कंटेंट को कोर्स वाइज LMS पर एक डाल दें, तो शायद मेरे को लग रहा है आपका काम, क्योंकि क्रिएटिव काम आप बहुत कर सकते हैं और ज्यादा। ये एक मैकेनिकल काम हो सकता है, बार बार रिमाइंडर देना, बार बार यूट्यूब के लिंक शेयर करना, तो मैं ये फैसिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर सकता हूँ अपने लेवल पर, कि हमारा अपना एक LMS हो जिस पर हमारा सारा कंटेंट हो, हमारा वीक वाइज सारा प्रोग्राम चले, इट्स लाइक MOOC। तो मैं अपनी सेवाएं इसलिए देने के लिए, एक ऑफर है मेरी तरफ से। मैं मेरे को उतना नॉलेज नहीं है उसका, होस्टिंग और वो सब, लेकिन मैं मेरी यूनिवर्सिटी में LMS का नोडल ऑफिसर हूँ, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस थोड़ा दूसरे लोगों के साथ मिलकर अपना एक LMS वी कैन क्रिएट, हाँ, LMS से ऐसा मेरा आप लर्निंग मैनेजमेंट लर्निंग सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट सिस्टम। जी सर, लर्निंग मूडल पर मैनेजमेंट, सर, ओपन 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 सोर्स हाँ ओपन सोर्स। अच्छा ठीक है। मूडल पर। जी हाँ जी हाँ हाँ तो आप कौन से नहीं, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में प्रोफेसर हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जी, किस पोर्टल का इसमें प्रयोग करते हैं, किस हम LMS। LMS ये मूडल पर ही करते हैं हम लोग। अच्छा इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट वगैरह कोई इन्वॉल्व नहीं होगी, जो भी होगा वो सब मैं देखूंगा, हाँ उसके नहीं आप नहीं चिंता ऐसे ना ऐसे, करें। प्रभु की बहुत कृपा, ऐसी कोई बात नहीं। जी हाँ जी पर डेफिनेटली, तो मेरे जो अनुज हैं यहाँ पर, शिव शिव जरा हाथ खड़ा करो उनसे हो जाए। नमस्कार जी, ये आपको संपर्क नमस्कार करते हैं, ये नमस्कार, बड़ौदा में रहते हैं, जरूर जरूर और बड़ौदा जी में हाँ रहते हैं और ये स्वयं कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर रहे हुए हैं पहले,
अरे आप बहुत बढ़िया। निवृत्त हो गए, तो आपका आपका फोन नंबर वगैरह हमारे पास है ना? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, क्योंकि हाँ तो ठीक है भाई। नहीं बहुत आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, बहुत समय से मेरे मन में था कुछ एलएमएस टाइप हमारे पास हो तो ज़्यादा उपयोग हो पड़े, तो आपने बहुत उत्तम सुझाव दिया और इसको पूरी तरह से हम, ताकि उससे तो बहुत काम, बहुत काफ़ी कुछ काम जी हाँ जी, अभी कर नहीं पा इसको रहे बिकॉज ऑफ ऑल दिस। नहीं, आप हाँ चिंता ना करें, बस आपका कंटेंट बहुत ज्यादा है, काफी है, पर्याप्त है, वो सब हाँ काम आप मेरे पे छोड़ दीजिए, और शिव जी ओ भाई क्या साहब जो बात है, हैं बहुत इनके बढ़िया, साथ बहुत मिलके, बहुत धन्यवाद और भाई। हम बातचीत करके, मेरे को लग रहा है 2-3 महीने में हो सकता है हमारा रामायण सम्मेलन हो, उस तक भी थोड़ा बहुत भी एक लॉन्च करवा सकते हैं, देखते हैं क्या नहीं, पॉसिबिलिटीज है, वेरी कैसे नाइस, होता थैंक यू, है। सो 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 काइंड ऑफ जी योर, दैट्स वेरी वेरी गुड जी सजेशन, बहुत बहुत जी धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई सुझाव नहीं, कोई टिप्पणी, ऐसे कैसे, कोई फीडबैक नहीं? हाँ हाँ विंदा जी, राम राम। राम, ये संक्षिप्त रामायण का जो पार्ट चल रहा है ये बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसे कंटिन्यूटी में रखे, और जो सात्विक क्विज माला है वो भी बहुत अच्छी, अगर आप कंटिन्यू रखेंगे, चलती रहेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, ऊपर और जो हमारी त्रुटियां हैं उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। जय सियाराम। जैसे हाँ जो क्विज आपने, जो हमारे YouTube लेक्चर्स हैं या दूसरे प्रोग्राम, उसका जो क्विज का आपने रखा वो बहुत बहुत ही अच्छा, मुझे वो सजेशन लगा है। और बाकी तो हम लोग सलाह देने नहीं, आप जो करते हैं, जो कहते हैं उसको करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। सलाह देने लायक देखे जिनके पास थी, उन्होंने कितना सुंदर अपना सहयोग प्रदान कर दिया। तो बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट करें और अपनी अपनी क्षमता अनुसार लोग वॉलेंटियर करें और उस उन चीजों को और आगे बढ़ाया जाए। तो आपको क्विज क्विज माला या जो भी इसको कहा जाए का सुझाव अच्छा लगा। मैं उसमें अपना जो भी सुन के क्विज बनाने का होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको तो उसका वॉलेंटियर। नाम क्या रखा जाए, क्विज माला या क्विज क्विज नहीं जो आपने रख दिया है पहले नहीं उसमें, मैंने रखा, अभी तो क्या है, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है तो टुन्नू मुन्नू पप्पू लल्लू ऐसे नाम होते हैं। नामकरण तो ब्राह्मण लोग ही अंग्रेजी करते हैं, गुरु वशिष्ठ। का फ्यूजन है, हमारी भाषा भी ऐसी ही चल रही है, तो क्विजमाला सुंदर नाम है। किसी का, आप हिंदी के बड़े बड़े विद्वान हैं यहाँ पर, आप किसी का कोई अल्टरनेटिव सजेशन है इसके लिए, क्विज माला या प्रश्नमाला या प्रश्नावली या क्या करना चाहिए, यानी थोड़ा कैची भी हो और सही भी हो, है ना? उत्तरी भी एक शब्द होता है, प्रश्नोत्तरी हाँ जी, प्रश्नोत्तर शब्द होता है, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर प्रश्न और उत्तर दोनों बहुत, प्रश्नोत्तरी बहुत पुराना टर्म है, हाँ, पर पर इक्कीसवीं, क्विज़माला थोड़ा रोचक है, अच्छा है। हाँ 21वीं सदी में थोड़ा वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी माने हाँ लोकप्रिय भाषा है, क्विज़माला वर्ण भी लिख सकते शंकर हैं, है, उससे और वर्ण मिलता शंकर जुलता शब्द है क्विज़ के, जी मन के, मन विस्के के, मन मन के, के, माला की जगह मन के भी कर सकते तो पर तो दो शब्द हो गए ना, हैं। विस्के मन के तीन शब्द हो गए, एक शब्द एक हाँ, फ्रेज वो फ्रेज हो गया, पदबंध हो गया, हो गया, इसको तो आसानी से समझ में आ जाएगा और हम जैसे पुराने लोगों को भी समझ में आ जाएगा। क्विज माला। अच्छा ठीक है, तो क्विज माला को चलो आगे बढ़ाते हैं इसका काम। थैंक यू। हाँ और आप सबको एक एक बात कहनी है। हाँ 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 अच्छा, सूरज जी, राम राम। राम राम, सभी को राम राम, प्रणाम। ओम जी, कार्यक्रम तो बहुत अच्छा चल रहा है, इस साल में बहुत बार न रह सका, थोड़ा बिजी रहा। मेरा एक सुझाव है, हम लोग कुछ दिन किए मानस का सही उच्चारण, इसमें विनीता जी भी भाग ली, तो मेरा सुझाव है कि इसे कंटिन्यू करें थोड़ा दिन के लिए। और एक बार आपने पावर पॉइंट में दिखाया था कि छंद में दोहा में कितने मात्राएं हैं, अगर उसे हम एक बार फिर से रिपीट कर सकें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जहां तक मेरा अनुमान है अभी सभी के समझ में ठीक से नहीं बैठा है ये, मैं ठीक से समझा नहीं तो मैं अपनी कमी बता रहा हूं। नहीं,
बहुत बिरले लोग ही अपनी कमी बता पाते हैं, तो आप उन आपकी गणना उनमें हो रही है। उसको कर ये सकते रहे। हैं इस बार, और हाँ आने वाले दोबारा साल में दोबारा, भी हम कई बार कर चुके हैं, दोबारा कर सकते हैं। उसमें दो बात तो होती है सूरज जी, एक तो और बहुत लोगों ने आई थिंक विनीता जी ने दो या तीन बार किया था, विनीता जी आपने शायद, फिर एक बार मैंने किया। कर चुकी हूं। मेरा सुझाव उसमें यह है कि जो लोग अपने उच्चारण सुधारना चाहते हैं वो पर्सनल हमें चौपाई भेजते हैं, और जिनके उच्चारण सही है उनको भेज दें और हम लोग उनको गा करके भेज देंगे। आप उससे प्रैक्टिस करिए। ये भी ठीक हाँ, होगा। ये तो बहुत यहाँ प्रैक्टिस हो नहीं सकती, आपने थोड़ा सा पढ़ लिया तो आप सुधरेगा तो तभी जब आप प्रैक्टिस खुद करेंगे। तो आप संपर्क कर सकते हैं, हम हैं राकेश चौबे जी का, और जो भी हिंदी भाषी प्रदेश के लोग हैं उनका उच्चारण अच्छा है, मतलब सही है, अच्छा तो सभी का है, सही है अवधि के हिसाब से, तो ये भी एक तरीका हो सकता हाँ, तो ये है। एक तरीका है। तो अब पर कई बार बाद में कहना चाह रहा था कि कई कई लोगों ने बड़ा प्रयास किया और उनके उच्चारण में बहुत बहुत सुधार आया है, मैंने मार्क किया है, और कई कई लोगों के में कोई सुधार नहीं आया। तो वहाँ पर ये बात आती है कि यू नो वो घोड़े और कुएं वाली बात, प्यासा क्या प्यासे को कुएं के पास ले जाया जा सकता है, पर पीना तो उसको स्वयं को पड़ेगा। तो अगर कोई प्रयास ही ना करे तो फिर कैसे सुधार हो, फिर तो सुधार नहीं हो सकता। बट आई थिंक इट्स अ गुड, यू आर सेइंग इट्स अ गुड सजेशन, एंड आई थिंक मे बी पीरियोडिकली हो सकता है, हम वो जो ट्यूसडे वाला सेशन होता है उसमें हम पीरियोडिकली रखें, महीने में नहीं तो हर 2 महीने में एक बार उच्चारण पर सेशन, उसी उसी मॉडल पे जैसे वनिता जी ने कंडक्ट किया था, लोग अपना 2 मिनट पढ़ लें और हम ध्यान से सुनें, फिर कहें कि भाई यहाँ पे शायद सुधार हो सकता है, ऐसा कुछ, वो भी प्रयास हम कर जैसे सकते हैं। कामेश्वरी जी को जब अपना ये प्रेजेंटेशन करना था तो उन्होंने पर्सनली हमको कांटेक्ट किया था, और उन्होंने कहा था कि कौन से छंद को किस तरह से बोला जाता है, गाया जाता है। तो मैंने उनको प्रैक्टिस के लिए कुछ कुछ ऑडियो बना के भेज दिए थे। बहुत इजी होता है, रोज रामायण पढ़ते हैं उस समय जरा देर को मोबाइल ऑन कर लिया, चार छह चौपाइयां उसमें रिकॉर्ड हो गई, वो हमने भेज दिया। अभी भी भेज देते हैं, दो लोग हैं जिन्होंने हमसे पर्सनली कहा, और भी लोग हैं, तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा आपके लिए कारगर होगा। हाँ, और इसमें यह है कि जो इंटरेस्टेड है उनका काम सिद्ध होता रहेगा। बिल्कुल। हाँ नहीं ठीक है, ये तो बहुत ही आपने उत्तम अपनी इस एक्सक्यूज में सेवा आप दे रहे हैं, तो इससे तो कोई बढ़कर कोई बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल एकदम पर्सनलाइज्ड जो कोचिंग हो गया, तो बहुत बहुत ही बहुत अच्छी बात है। पर आई थिंक विल कंटिन्यू विद दिस इन सम वेज, और व्हाट एल्स, थैंक यू सूरज जी। बाकी लोग कुछ नहीं बोलेंगे, अभी 5 5 लोग ही बोलेंगे, क्या बात। ऐसा मैं बोलूं शकुंतला? हाँ हाँ बाजी, आप बिल्कुल बोलिए, आपके लिए आज ये मंच, बिल्कुल। जी भाई साहब, एक कार्यक्रम ये भी किया जा सकता है उसके रामायण उच्चारण के लिए, कि महीने में एक दो बार अंताक्षरी रामायण की रखी जाए, और शर्त ये है कि उसमें बिल्कुल शुद्ध उच्चारण हो। ओके मेरा मतलब ये हाँ कहना है। हाँ नहीं ठीक है। एक मेरा और सुझाव है कि रामचरितमानस पर्यायवाची का गढ़ है, तो एक कोई ऐसा रखिए कभी से दिखाइए जिसमें ज्यादा से ज्यादा शब्द, जैसे 20 शब्द ले लिए गए जिनके बहुत सारे पर्यायवाची तुलसीदास जी ने प्रयोग किए, उन पर ही कोई एक बढ़िया से जानकारी दे, तो वो बार 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 सुनने से फिर वो शब्द भी दिमाग में बैठते हैं और पता रहता है। कि कभी कभी इतने शब्द नए से आ जाते हैं कि उसको देखना पड़ता है कि ये किसका पर्यायवाची। ठीक है, या बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। लिख रहा हूँ, है मेरे पास कलम और देखो जी आपको लगेगा। जी
और कोई सुझाव और या आपकी टिप्पणी? मैं क्लाइंट बोल दूं? हाँ सर। नहीं, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है इस साल में। हर एक साल की तरह इस साल भी बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम है। हम तो हमेशा याद करते हैं आपका ओम विधा का, कैसे वो मेंटल डिजीज उससे ठीक होता है। उस पर एक और लेक्चर करवाइए, क्योंकि ओल्ड लोगों के लिए बहुत यूजफुल है वो। वो तो बहुत अच्छा लगा हमें, और अच्छा है वो लघु कथा वाला भी, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने में अच्छा लगता है। हम लोग तो श्रोता हैं, कोई विद्वान होने की कोई इच्छा नहीं है, तो यही है कि। और तीसरी बात है कि बहुत साल पर आपने मैगजीन निकालते थे साल में 2 4 बार 2 बार, वो बहुत मिस करते हैं हम उन लोग को। हम बहुत लोगों को देते थे जो हमारे घर आते थे। और तो आपने का बताया था क्या डिफिकल्टी है, मेरे को एक बार फिर सोचिएगा। और ऐसे तो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है हर एक में। हम तो जो संक्षिप्त रामायण जो होता है हर एक ट्यूसडे को, वो बहुत ही सुनते हैं, कोई भी काम हो उसको छोड़ के सुनते हैं, क्योंकि बहुत आनंद आता है। और उसमें मैं मुझे देखता हूँ कि लोग सब वेट करते रहते हैं कि कोई चांस मिले, कोई वो मनाते रहते हैं कि कोई बीमार पड़ जाए और छुट्टी ले ले तो मैं हाँ पहुंचता। नहीं अरे इतना उत्साह हमने किसी और प्रोग्राम में नहीं देखा है, ये तो आप सही कह रहे, बिल्कुल यार, ये बड़ा उत्साह है। और बहुत अच्छा है। तो चलाते रहिए इसी को। आपके पास तो अब बहुत सारे विद्वान हो गए हैं साथ में, विनीता जी हैं, विनय जी हैं, चौबे जी हैं, दुबे जी हैं, सब राम है, जी, तो उनका यूज करिए आप। हाँ वाह, नहीं वही तो कर रहे हैं। बस ठीक है, तब हाँ क्या जबरदस्त ही कहना था मुझे। सर, जैसा हम अभी स्तुति में कर रहे हैं, ऐसे ही जोड़े पे कपल के ऊपर भी एक कार्यक्रम कर सकते हैं। ओके। शंकर पार्वती, राम सीता, इन सब पे। हाँ हाँ नहीं वो वेरी गुड, बहुत सजा गया। मानस की जोड़ियाँ, मानस की जोड़ियां, हाँ राइट, मानस के भाई। क्या कहा दीदी आपने? मानस के भाई, हाँ बंधु, हाँ मानस, मतलब हाँ ठीक, रात्र भर मेरे जो जोड़े हैं उनमें भी कई हैं। भाइयों की जोड़ियाँ, उसमें हाँ ठीक, भी तुलनात्मक बहुत आ जाएगी बातें। हाँ। और तो बेटा को क्यों छोड़ देते हैं, बेटा भी करिए ना। हाँ बेटा भी कर सकते हैं। मानस में पिता पुत्र, पिता पुत्र या माता पुत्र? पिता पुत्र कुछ भी रहे। ठीक ओके अगर आप चैट में कुछ लिख रहे हो तो मैं चैट को इस समय पढ़ नहीं पा रहा। हाँ लेट मी देख लूँ किसी का कुछ ऐसा हो। हाँ गुप्ता जी, सर, जी, उमेश जी, राम राम। हाँ एक बहुत छोटी सी जिज्ञासा है मेरे मन जी में। वो हमने सुषमा नैयर का सुना था एक उनका प्रयोग, और बहुत अच्छा लगा। और अपनी बीमारी को, 13 साल की बीमारी को वो क्या बोलेंगे, योगा से जो है नाम जपते हुए 5 5 मिनट दिन में 3 बार उसको बहुत कुछ दूर कर चुकी थी। अभी क्या लेटेस्ट स्टेटस है, उनको निमंत्रित कर सकता है? तो यानी मुझको बहुत अच्छा लगा, और मैं उनकी चीजों को करता हूँ रोज सीख करके। कभी मैं ढूंढता हूँ कि कहीं सुषमा नैयर जी जो है ऑडियंस में है क्या, हो तो एक बार उनको और इनवाइट कर सके तो बड़ी अच्छी बात या होगी। वो सुषमा जी अपने वो स्वास्थ्य की वजह से ऑडियंस में आती नहीं है, पर वो जो विनीता जी है उनकी बिल्कुल पड़ोसन है, और माँ हाँ जी तो मैं मिली उनके बारे में शायद हूँ बता पाएंगी। जी, हर महीने मिलते हैं हम लोग, उनके घर जाते हैं, इसीलिए कि वो सास बहू मतलब आंटी बहुत वृद्ध हैं और सुषमा का स्वास्थ्य ऐसा है, तो हम लोग कॉलोनी के लोग जाके उनके यहाँ एक कार्यक्रम करते हैं जो हर महीने उनके यहाँ जाते हैं। वो पहले से बहुत 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 बेहतर हैं, जब आपने उनकी मीटिंग में सुना था उससे भी बेहतर हैं अब वो। गुड और गुड, उन्होंने इतना इतना अपने हाल को और अपने इस इफेक्ट को जो वो चैंटिंग करती हैं उसको अपने डॉक्टर को इतना ज्यादा बताया है
कि वो डॉक्टर भी अब उनकी बात को सुनने लगे हैं और मानने भी लगेंगे शायद धीरे धीरे, लेकिन अब उनको ये विश्वास होता है कि जो ये कह रही हैं वो प्रभावकारी, उनकी मेडिसिन बहुत सारी कम हो गई है, तो बहुत बेहतर है वो। और इस काम को वो लगातार बिना गिनती के, बिना अनवरत रूप से करे जा रही हैं, जो उन लोगों, जो आप लोगों को उन्होंने बताया। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ओम जी जब कहेंगे हाँ तो तो हाँ वो। उनसे कभी आप करें उनसे बात करेंगे कभी, वो यहाँ पे आने में रुचि रखें और अपना अनुभव बयां कर सकें तो कभी किसी शनिवार को म्यूचुअली कन्वीनियंट में उनको हम आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू उमेश जी, आपने इस बात का जिक्र किया। और एनीथिंग एल्स? तो जब तक आप विचार करते हैं तब तक मैं अपने अनुज शिव से शिव को आमंत्रित करता हूँ कि वो जरा अगले रामायण अधिवेशन के लिए किस तरह से पेपर भेजा जाए, कैसे उसकी ऑनलाइन सिस्टम है, उस पर जरा सा थोड़ा प्रकाश डालें कि जो लोग इस तरह ऑनलाइन सबमिशन वगैरह से यूज्ड टू नहीं है उनके लिए शायद लाभदायी हो सके। शिव? हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। अभी अपनी नई छठी रामायण, इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस जयपुर में होने वाली है। सभी इंतजार कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि सब मिलेंगे। और जैसे गत साल भोपाल में इतना अच्छा एंजॉय किया सभी लोगों ने, और जानकारी शेयर की एक दूसरे के साथ में, वो कर पाएंगे। तो बिफोर आई गो टू दैट, मैं जस्ट अपनी स्क्रीन शेयर करके और बताना चाहूंगा कि अपनी क्या क्या चीज करनी होती है जब कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो। तो पहले पहले है जैसे कि अपनी कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट जो IRC6 है वहां पे ले चलूं पहले। तो इन IRC6 में थीम है कि किस बेस पर कॉन्फ्रेंस है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट जयपुर में है, जयपुर की इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत। और सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो कि सार कैसे भेजे, तो वो सार हमें 100 शब्दों में ये गूगल फॉर्म भरकर भेजना है। जैसे मैं अब गूगल फॉर्म खोलूं यहाँ पर, तो इन्फॉर्मेशन में आपको देनी होगी आपका ईमेल एड्रेस, आप मिस्टर मिसेस श्री जो भी लिखना चाहे वो, आपका नाम, आपका पता, और आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं तो वो, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो हो, ऑल्टरनेट फोन नंबर, अगेन व्हाट्सएप नंबर हो तो बेहतर है। और आप यदि को था रहे हैं, जैसे कि आप एक या दो से ज्यादा मिलकर एक पेपर प्रेजेंट करना चाहते हो और एक शोध पत्र पढ़ना चाहते हो, तो कौन कौन है उनके नाम आपके अलावा। यदि आपके कोई को ऑथर है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर उनका नाम, उनकी संस्था का नाम, कौन से शहर से हैं, उनका ईमेल एड्रेस और उनका व्हाट्सएप नंबर, ये चीजें यहाँ पर लिख दीजिए। आप इंग्लिश में प्रेजेंट करना चाहेंगे या हिंदी में प्रेजेंट करना चाहेंगे वो यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिए। फिर टाइटल जो आप शोध पत्र है, पेपर है, जो पढ़ना चाहेंगे, जिसके बारे में, उसका टाइटल क्या है वो यहाँ पर एक टाइटल के रूप में बता दीजिए। और 6 शब्दों में जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं केवल 6 शब्दों में बताइए कि वो क्या है, जिससे कि पता चल सके कि कितना, किस संदर्भ में आप पता कितना बताना चाहते हैं। अब ये प्रेजेंटेशन दो तरह से हो सकेगा। एक तो आप जयपुर आए, सभी के साथ में मिलें, तो एक फिजिकल प्रेजेंटेशन जयपुर, तो यदि आप जयपुर आ रहे हैं तो वो एक व्यवस्था हुई। दूसरी, यदि आप जयपुर नहीं आ पा रहे हैं तो कुछ ऑनलाइन प्रेजेंटेशन रखे जाएंगे जो कि आप यहाँ पर नो कर दीजिए, तो जिससे कि
ऑनलाइन जूम के थ्रू जिस तरह अपने आजकल अपनी कक्षाएं होती हैं उसी प्रकार से प्रेजेंटेशन भी होगा। तो ये तो हुई बात सार को कैसे सबमिट किया जा सके। अब जैसे कि आपको कई बार अंग्रेजी में पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो ऊपर जाएं आप हिंदी में पढ़ लें तो सभी चीज आपको हिंदी में मिल जाएगी। सार को आप कैसे भेजेंगे तो गूगल लिंक है, गूगल लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उसी जगह पे भी पहुंच जाएंगे जैसे जहां पर इंग्लिश में पहुंच रहे थे। ये अच्छे जो शोध पत्र होंगे उनको तीन अच्छे निकलेंगे उनको शोध पत्र को पुरस्कार का प्रावधान भी है तो उसके लिए आप डिटेल यहाँ पर मिल सकती है। फिर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें या पंजीकरण, तो पंजीकरण के लिए जो कुछ अमाउंट निश्चित किए हुए भारत में, भारत से यदि पंजीकरण कर रहे हैं तो 15 फरवरी तक 1100 रुपये, 15 फरवरी के बाद 28 फरवरी तक 1500 रुपये और बाद में 2500 रुपये की जो राशि है वो पे करनी होगी। अब यदि आप वीडियो मोड से प्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको छूट मिल जाएगी और यदि आप रामचरित भवन के यदि सदस्य हैं तो उन्हें अलग से छूट मिल जाएगी। और यदि आप छात्र हैं पूर्ण फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो उन्हें अलग अगेन छूट मिल जाएगी। और यदि आप जैसे आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे फॉर्म के पास जाएंगे तो वहाँ फॉर्म पर ही लिखा होगा कि कैसे पेमेंट वगैरह कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर्म मैंने मानो डाउनलोड किया तो ये मेरा फॉर्म डाउनलोड हो गया। अब इस फॉर्म को मुझे केवल भरना है, वर्ड फॉर्मेट में फॉर्म है जिसे मैं नाम और टाइटल पोस्ट नेम वगैरह लिख सकता हूँ और संस्था से जिससे जुड़े हुए हैं पोस्ट लेटर्स क्या है, फोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, वैकल्पिक ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस क्या है और कब आप पेमेंट कर रहे हैं और आपने पेमेंट कैसे किया है। तो मोड ऑफ पेमेंट भुगतान चेक से किया है, डीडी से किया है, नेट बैंकिंग से किया है, यूपीआई से किया है और कैसे कैसे कर सकते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। यूजिंग जी पे पेटीएम यूपीआई नेट बैंकिंग आपको करना है क्या है ये फॉर्म भरना है। इस फॉर्म की हाँ एक इमेज ले लीजिए और जो पेमेंट किया है उसकी एक इमेज दे लीजिए। दोनों आप ईमेल से भेज सकते हैं या फिर या नंबर लिखा हुआ है उस नंबर पर इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा इस तरह से। बस इतनी छोटी सी बातें करनी थी मुझे। इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो ओम डेफिनेटली। जी, इसमें सिग्नेचर जो है, सॉरी शिवाई, इसमें हाँ जो है जी सिग्नेचर की एक नीचे कॉलम है। हाँ तो छोड़ दीजिए उसे कोई दिक्कत नहीं है नहीं, तो मतलब कि हम हार्ड कॉपी तो नहीं भेजना आपको दस्तखत करके? अच्छा, प्रिंटेड को अपने फिजिकल कोई भी चीज भेजनी नहीं है। ये फॉर्म कब तक हम लोगों को मिल जाएगा? अच्छा ये फॉर्म ऑलरेडी है, अवेलेबल है, नेट पर है ही। ग्रुप में डाल चुका है। ये आप जैसे वेबसाइट पर जाएंगे ना दीदी तो ऑलरेडी वेबसाइट पे है ही। मैं फिर से दोबारा जाऊं कि ये www.ramchand.org के बाद में जैसे कि अपने शुरू से जाऊं तो अपनी वेबसाइट ये यहाँ से खुली। ठीक है, अब इस वेबसाइट में एकेडमिक से संलग्न जो भी कार्य हैं एकेडमिक से तो वो यहाँ पर है जिसमें कि रामचरित इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंसेस हैं वो एकेडमिक के एक सारे कार्य हैं तो यहाँ पर फिर क्लिक कर दिया तो अभी तक की जो जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ या फिफ्थ में जैसे मैं जाऊँगा तो अपने जो लास्ट ईयर जो अपन भोपाल में शूट किया था सभी कुछ वो यहाँ पर आपको सभी चीज़ मिल जाएगी इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स और सभी वीडियोज और सभी चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अब इस साल के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए IRC 6 के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीज मिल जाए, फॉर्म यहाँ मिल जाएगा, पेमेंट रिलेटेड जैसे कि गूगल फॉर्म है वो यहाँ पर मिल जाएगा, गूगल फॉर्म यहाँ पर मिल गया क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा, ये रहा इंडिया के लिए यहाँ पर है, इंटरनेशनल के लिए यहाँ पर है। ठीक है, ये वेबसाइट एक बार किसी ग्रुप पे प्लीज डाल देंगे तो हम लोग में। हाँ जी। इनफेक्ट लाइक अभी हर जो भैया के कम्युनिकेशन थे ना तो उसमें डाली हुई है, फिर भी मैं अगेन मैं डाल दूंगा कि वेबसाइट कौन सी है, कहाँ से जाना है।
बिल्कुल जरूर। आदरणीय श्री प्रकाश जी, मैं एक दो चीज पूछ रहा था। फॉर्म बिल्कुल को दोनों में से हिंदी या अंग्रेजी, दोनों में किसी भी भाषा भर सकते हैं, कोई भी भाषा, इंग्लिश इंग्लिश भरना है जी? ये फॉर्म ये इंग्लिश में बनेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज किसी भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज की फॉर्म भर के, मतलब प्रिंट लेकर के, फॉर्म भर के उसको फोटो लेकर के आपको भेज देना है। हाँ, बिल्कुल फिजिकल मूवमेंट किसी भी चीज की जरूरत नहीं सबमिशन है का कोई प्रयोजन नहीं है ना? सर। आपने डाउनलोड, हमने फॉर्म कर लिया, डाउनलोड करके उसको फिजिकली भर दिया, हाँ भरने के जी बाद उसको फोटो लेकर के और सिग्नेचर करके पेमेंट मोड का बना के आपको भेज देना है। हाँ, फोटो खींच के भेज दीजिए वाले, फिजिकली ठीक ठीक है। पोस्टल कोई भी चीज भेजने की कहीं पे भी जरूरत नहीं पोस्ट है। नहीं करेंगे, उसकी फोटो लेकर के फॉर्म बिल्कुल भर के बिल्कुल उसको आपको व्हाट्सएप में जो नंबर दिया उसमें भेज देंगे, और जो जी हाँ, पेमेंट करेंगे उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके उसमें अटैच कर देंगे। हाँ अनलेस के कोई डीडी चेक वगैरह से पेमेंट कर रहे हो तो जी बात अलग है, तो देन उसको केवल तो ऑनलाइन नहीं ले पाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट भी मुझे डाउनलोड किया पहले हो। ऐसा लगा था कि रजिस्ट्रेशन के लिए भी शायद गूगल फॉर्म होगा, भर के उसको सबमिट कर देंगे, लेकिन फॉर्म जी भर के उसको आपको फोटो कॉपी देना है। ठीक है, थैंक जी जी यू। वीडियो मोड मेरी समझ में नहीं आया, वीडियो मोड से क्या कहना चाह रहे थे आप? वीडियो वीडियो मोड मोड से यदि ऐसे है कि जैसे कि सपोज वहां पर कोई आ नहीं पाए जयपुर में, और फिर भी अपने शोध पत्र प्रस्तुत करना चाहें, तो अब ये कॉन्फ्रेंस पूरी हो जाएगी, उसके कुछ समय बाद अपन 1-2 दिन रखेंगे, तो जब सभी ये जो समझ वीडियो में मोड आया। वाले प्रेजेंटेशन हाँ होंगे, तो कई जैसे कि बाहर विदेशों के कई होंगे प्रेजेंटेशन, तो वो बेचारे नहीं आ पाए हैं यदि, तो फिर उनके लिए ये सुविधा है। थैंक यू, ठीक, धन्यवाद। इसका इसका शिवाय अभी कोई ग्रुप नहीं बनाया अपने 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का अलग से? हाँ नहीं बना हुआ है जी, हाँ इसका ग्रुप बना हुआ है, और हम दोबारा भेज देंगे उसका ग्रुप में ज्वाइन करने का लिंक चैट का। हाँ और जो एक बात अभी निकली थी वीडियो वीडियो प्रेजेंटेशंस की, उसमें जो वीडियो प्रेजेंटेशंस होंगे वो कॉन्फ्रेंस के बाद वाले वीकेंड में या होंगे, इस दौरान में नहीं होंगे, क्योंकि इस दौरान में तो सभी लोग कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, तो उसके बाद वाले वीकेंड में या जो भी उचित समय होगा तब तब वीडियो प्रेजेंटेशंस होंगे। और जो इस फॉर्म में जो आपने 24 सिग्नेचर की बात की थी, वो सिग्नेचर आवश्यक नहीं है, और हम चाहें तो सिग्नेचर वाला निकाल भी सकते हैं, पर वो बेसिक जो डेटा चाहिए, और जो लाल साहब ने कहा था हिंदी में भरे अंग्रेजी में भरे, हमारा प्रेफरेंस है कि आप अंग्रेजी में भरें, इसलिए कि नहीं कि हमें हिंदी में हिंदी से लगाव नहीं, हमें हिंदी से बहुत लगाव है, पर वो डेटा एक ही लैंग्वेज होता है ना, तो उसको मैनेज करना ही रहता है, किसी को सॉर्ट करने में, नहीं तो 2/3 नाम अंग्रेजी में, आधे हिंदी में, या सब सभी हिंदी में भरें, पर सब हिंदी में नहीं भरेंगे, हमें अच्छी तरह पता है, अगर हमें तो अगर सब इतनी अंग्रेजी में तो कोई या तो अंग्रेजी से बहुत एलर्जी हो तो बात अलग है, पर इतनी अंग्रेजी तो हम सब भरते ही हैं। अब फ्लाइट का रिजर्वेशन करवाते हैं तो हम अंग्रेजी में नाम लिखते हैं, हिंदी में पता नहीं कितने लोग लिखते हैं, तो जितना संभव आप अंग्रेजी में भरते तो उससे हमको थोड़ी सी सुविधा रहती है डेटा वगैरह को मैनेज करने में, पर कोई अनिवार्य नहीं है। हाँ प्रेफरेबली प्लीज़ फिल इट इन इंग्लिश, बट इट्स नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी। सर मैं एक चीज़ कहना चाहूंगा, अगर इंग्लिश में फॉर्म भर रहे हैं जिसको बायलैंग्वेज की जगह खाली इंग्लिश में फॉर्म बना दे तो शब्द भी कम हो जाएंगे, और उसमें क्या होगा, कई लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स भर देंगे तो आपको थोड़ा असुविधा हो सकती है, तो फॉर्म को केवल इंग्लिश में कर, जब इंग्लिश में भरना है तो आ जाएगा अच्छा से। हाँ अरे पर उसमें फिर ये कहते कि नहीं, मैं तो यार ये तो रामायण की कॉन्फ्रेंस है, हम हिंदी में भी नहीं लिख सकते, हम कुछ हम हमारे जैसे मेरे जैसे अड़ियल टट्टू हैं बढ़ जाते हैं कि हम हिंदी में क्यों नहीं लिख सकते, तो ठीक है आप हिंदी में लिखिए कोई बात नहीं, तो चाइनीज में मत लिखिए, हमें चाइनीज में नहीं पढ़ना आता। नहीं, आपने जब बता दी इंग्लिश में, सब लोग इंग्लिश में, हम भी इंग्लिश में भर देंगे, अभी तो गूगल फॉर्म भी हम इंग्लिश में भर रहे हैं, क्योंकि आपने बताया है कि हाँ ढूंढने में दिक्कत पड़ती है, तो हाँ ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा इजी थोड़ा सा और शॉर्ट हम डच में वर्ड, कर देंगे आपके लिए ओम जी, हाँ डच में भर जाएगा। ठीक डच में डच, कर ठीक देंगे हाँ डच डच में हम एक्सपर्ट हैं बहुत ज़्यादा, डंकन जी। अच्छा एनी अदर सजेशन और थॉट, किसी के मन सर में कोई बात कार्यक्रम के रह बारे में, गई? हाँ कार्यक्रम जी के बारे में आप पूछ रहे थे, उसी के अनुसंधान में एक दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो ये कि जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें निरंतर
कुछ न कुछ अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं और उसमें जो प्रोग्रेस है इट इज़ इन पॉजिटिव साइड। दूसरा ये है कि हम आगे भी जैसे कि हम पहले अखंड रामायण पाठ ऑनलाइन, नवान पारायण पाठ और जो कर रहे हैं वो करते जाएं, सुंदरकांड का भी पाठ उसमें शामिल करिएगा जो पहले किया था, उसमें कोई ड्रॉप मत करिए, उसमें ऐड करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे जो खास बात है, मैं आपके पेशेंस की बहुत तारीफ करूंगा। मैं देखता हूं व्हाट्सएप में कि इतनी बार एक ही सवाल बार बार आते हैं, बार बार मीन्स पूरे दिन वही रिपीट होते हैं और उसको बिना किसी उसके आप उसका जवाब बार बार देते रहते हैं, तो मैं रियली आपके पेशेंस को प्रणाम करता हूँ। तो जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही अच्छा है, तो इसमें ऐड करिएगा। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि शायद आने वाले कुछ दिनों में हम लोग स्तुतियाँ बना रहे हैं, स्तुतियाँ बन जाएंगी, तो मेरा एक सुझाव है कि किसी दिन एक मंगलवार को या कोई दिन स्तुतियों को गायन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे लोगों का अभ्यास भी हो जाएगा और एक थोड़ा सा अलग भी लगेगा। नहीं आप मैंने वो एक मैसेज देखा था, मेरे समझ में नहीं आया पर अब समझ में आया। तो थोड़ी आगे की बात कर रहे हैं लाल साहब, अब हम 2024 का वर्ष हाँ 24 के लिए भगवान की स्तुति से आरंभ करेंगे। तो अगले शनिवार को जो रामचरितमानस में स्तुतियाँ हैं, भगवान राम की स्तुतियाँ हैं, भगवान शिव जी की स्तुतियाँ हैं, माता गौरी की स्तुति है, तो उसमें कहाँ गया कर रहे जो हमने 16 स्तुतियों का चयन किया है, तो 5-15 तो मानस से ही है और बिल्कुल आरंभ में गणेश जी की स्तुति विनय पत्रिका से लिए, गाइए गणपति जग बंदन, तो उस दिन सिर्फ स्तुतियों का ही गायन होगा। ये 6 तारीख को, 6 जनवरी को। उसमें लाल साहब आप भी गा रहे हैं स्तुति, मुझे ध्यान आ रहा है। हाँ एक स्तुति मेरे पास भी है, तो हाँ परसत पद पावन मैं सुमन पावन, हाँ हाँ उसी को मैं कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा था कि एक हाँ दिन तो कोई कोई भी दिन उसको भी जारी रखें तो लोगों को स्तुति गाने का अभ्यास भी होगा, एक थोड़ा तो सा हम अलग मैं जरा रहेगा। मेरी पूरी बात कर लूँ, तो उस दिन वो स्तुति जो ये 15, क्योंकि इससे ज़्यादा एक दिन में हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो एक दिन में जो 15 स्तुतियों का चयन किया है उसका आप लोग गायन करेंगे। जैसे आप में से विनीता जी यहाँ है वो करेंगी, राकेश जी करेंगे और सरिता जी करेंगी जो मेरे पास जो लिस्ट इस समय है। उसके बाद में 13 जनवरी को तो हम लोगों का गोष्ठी करेंगे, फिर 20 जनवरी के बाद में कंटिन्यूस 5 वीक इन सब स्थितियों पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे और उसका गायन भी करेंगे। तो जो हमने 26 कितनी स्थितियों की लिस्ट बनाई है लाल साहब आपको याद होगा, तो उन सारी स्थितियों का गायन के साथ चर्चा करेंगे। सो वी विल बी डूइंग दैट इन द फॉलोइंग 6 वीक्स, 5 या 6 वीक जो हमने मन बनाया था। तो पूरा पूरा जनवरी फिर पूरा फरवरी बस भगवान की स्तुति में हर शनिवार को गायन और साथ अध्ययन, बोथ थिंग्स विल बी डूइंग, दैट्स द प्लान एट दिस टाइम। बहुत सुंदर, प्रणाम भाई साहब। हाँ जी कहिए। एक तो मेरा निवेदन यह है कि मैं जहां आपका कॉन्फ्रेंस वेन्यू है उसके बिल्कुल नजदीक रहता हूं, जयपुर। जयपुर में मैं दिनेश वीकेंड पर जयपुर रहता हूं सर। मैं वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ में है, तो अच्छा वहां से वीकेंड पर हर वीकेंड पे जयपुर आता हूं, तो हाँ ये वेन्यू आपका मेरे बहुत नज़दीक है, तो मेरे लिए कोई सेवा हो तो आप जरूर बताएं। हाँ बिल्कुल जरूर अनिल, आपकी हमें बड़ी मदद की बहुत जरूरत है। सो सो काइंड ऑफ थैंक मेहमान आने वाले हैं, आप सेवा को बहुत हाँ हम तो मौके की तलाश में रहते अच्छा दूसरा हैं। हाँ ये दूसरा ये है कि मेरी थोड़ी सी तकलीफ भी है। तकलीफ ये है कि तकलीफ मतलब आपसे नहीं है, तकलीफ ये है कि अभी मैंने एक रामायण पर एक पेपर लिखने की कोशिश की थी, लिख भी दिया, भेज भी दिया छपने, तो स्कॉलरली कम्युनिकेशन में रामायण और रामचरितमानस पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है किसी भी जर्नल में। स्कॉलरली जो स्कॉलरली हम उसको मानते हैं जो वेब ऑफ साइंस है या स्कोपस है या गूगल स्कॉलर में अवेलेबल, जबकि हम जब मैं देख रहा था तो करीब 400 थीसिस फुल टेक्स्ट पीएचडी अवार्डेड अवेलेबल है फुल टेक्स्ट, और बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो अवार्डेड हो गई लेकिन वो अभी उस पोर्टल पर शोधगंगा पर आई नहीं है। तो आप एड ऑन आपकी जिम्मेदारी में नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन जो हमारे प्रबुद्ध और कर्मठ प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर विनीता जी हैं,
प्रोफेसर विनय जी हैं और भी लोग हैं, तो उनसे निवेदन है कि वो थोड़ा, क्योंकि इतना अच्छा ज्ञान रखते हैं, इनके भाषण भी मैं लगातार सुन रहा हूँ, बीच बीच में एक दो बार मिस भी किया, लेकिन इतना बढ़िया नॉलेज है, तो क्यों ना हम कोई ऐसे पेपर्स जो अच्छे जर्नल्स में भेजे, जिससे कि, क्योंकि वो इंटरनेशनल जो ऑथर्स हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो तो उसी चीज को एक्सेप्ट करती है। तो जैसे भगवत गीता पर काफी आने लगे हैं आजकल, तो रामायण पर भी स्कॉलर, और हम इसकी शुरुआत शायद जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है, क्योंकि मैंने छठी पांचवी की प्रोसीडिंग्स देखी थी, शायद 50 के आसपास पेपर्स उसमें छपे थे, तो कोई अच्छा जो स्कोपस या वेब ऑफ साइंस में कोई जर्नल अगर आता है तो उसमें हम स्पेशल इश्यू लाएं, तो शायद हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो थोड़ा इस तरह के प्रयास कर लें तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ये मेरा निवेदन है। हाँ नहीं, ये तो आपका बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान है, और मैं भी अपनी दाल रोटी ये प्रोफेसरी से कमाता हूँ, और छोटा मोटा मेरा अनुभव भी है इस बारे में, कोई तो बहुत ज़्यादा अनुभव तो नहीं है। तो एक तो बात मैं अपने अनुभव के आपसे शेयर करूँ कि रामचरित मानस, रामायण, गीता पर बहुत सारे स्कॉलरली आर्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इन लॉट ऑफ पर्टिकुलरली इन लॉट ऑफ इंटरनेशनल जर्नल्स। पर मुझे थोड़ा सा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो रिसर्च इंडिया में हो रही है, मोस्ट ऑफ दैट, और जो जिससे मैं परिचित हूँ, इज़ अ वेरी पुअर क्वालिटी। इवन पत्र पत्रिकाएं भी छपती हैं, उनके जब मैं लेख वगैरह देखता हूँ, दे आर वेरी पुअर, वेरी पुअर क्वालिटी, देर इज हार्डली एनी रिसर्च कंटेंट। आवर फोकस हैज़ नेवर बीन ऑन क्वालिटी, हमारा फोकस इज़ ऑन क्वान्टिटी। मैंने 10 किताब मेरी प्रकाशित हुई हैं, मेरे 120 लेख पब्लिश हुए हैं, मैंने 80 लोगों ने मेरे अंडर PhD किया है, दिस द फोकस इज़ ऑन दैट। लोगों के बायोडाटा में ये लिखा रहता है, यू नो, आप किसी से परिचय मंगवाई, उनमें ये लिखा है मेरे 50 लोगों ने PhD की है, मेरे अंतर्गत मैंने 20 मेरी 20 किताबें प्रकाशित हुई हैं, मेरे 120 आर्टिकल मुझे इतने सम्मान मिले हैं। सो इट्स फोकस ऑन क्वान्टिटी, नॉट ऑन क्वालिटी, सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। और ये इसी क्षेत्र में नहीं है, सब क्षेत्र में, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे कोई भी हो, सो आवर फोकस इज ऑन क्वालिटी। अब किसी के भी बायोडाटा परिचय में देखिए, वो क्वांटिटी लिखी होगी, इतने इतने नंबर, इतने 5 किताबें, 7 उपन्यास, फलाना डिमका डिमका डिमका, सो दैट्स अ मच बिगर इश्यू एक्चुअली, जो आप कह रहे हैं ना, इट्स अ वेरी मच बिगर इश्यू। अब हमने कुछ समय पहले एक मानस संवाद पर कुछ रिसर्च करना शुरू किया था, वो प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया, और उसको भी अभी जैसे शब्दकोश का पूरा हो तब करेंगे। सो देन आई केम अक्रॉस ए PhD थीसिस मानस में संवाद, जो किसी आसाम, उसी नॉर्थ ईस्ट एरिया में किसी ने की है, और पूरी थीसिस मुझे मिल गई, एंड आई वॉज वेरी सैडन टू सी दैट थीसिस, इट इज़ नॉट वर्थ इवन ए टर्म प्रोजेक्ट, फॉरगेट अबाउट PhD थीसिस। तो इस तरह से PhD थीसिस अनफॉर्चुनेटली अवार्ड हमारे यहाँ हो जाती हैं, और उनमें कोई रिसर्च कंटेंट नहीं है, कुछ नहीं। सो वो एनीवे, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अलग विषय है। तो हमने अभी जैसे राम मलिक जी ने कहा था कि वो पत्रिका आप निकालते थे, बंद कर दिया, तो उस पत्रिका का नाम राम क्वेस्ट था, एंड आवर फोकस वाज एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग दिनेश जी, दैट द इट शुड हैव सम न्यू, अगेन इट वाज नॉट प्योरली रिसर्च जर्नल, इट वाज अ मैगजीन, बट स्टिल विद सम फोकस ऑफ समथिंग न्यू, नॉट जस्ट टेलिंग द स्टोरीज, जो सब जो सर्वविदित है, जिसको हम सब जानते ही हैं, उसमें फिर उसको, अब हनुमान जी लंका गए, वहाँ उन्होंने लंका दहन किया, वहाँ उन्होंने सीता जी को मिले, फिर वापस आ गए, ये लिख दो तो व्हाट इज न्यू, दैट एवरीबॉडी नोज, राइट? तो फॉर टू रीजंस वी डिड नॉट कंटिन्यू दैट, हमने कई इश्यूज पब्लिश किए, वन तो एक तो ये था कि वी आर रियली रनिंग आउट ऑफ टाइम, यू नो, इतना ज़्यादा काम रहता है कि जस्ट कैन डू इट, एंड सेकेंड वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ मटीरियल दैट वी आर रिसीविंग, इवन एक तो क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, एंड इवन कंटेंट भी ठीक है, तो सो मच एरर इन स्पेलिंग्स, इन ग्रामर, अच्छे अच्छे जो लेखक हैं, मैं नाम नहीं देना चाहता, बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाते हैं, वो जब लेख भेजते थे उसमें देवल की रेफरेंस, आप चौपाई, ये चौपाई, वो चौपाई, और उन चौपाइयों में इतनी गलतियाँ, मतलब दे वर नॉट इवन कॉपिंग एंड पेस्टिंग, जो उनको उस समय याद आ गया चौपाई वो लिख दी, बट आपकी मेमोरी इज नॉट करेक्ट, यू नो, जो आपको स्मार्ट ठीक से नहीं है, हमें नहीं है, सो आई हैड टू करेक्ट एवरीथिंग, इट टुक सो मच ऑफ माई टाइम। तो और मेरे में कोई इतनी योग्यता नहीं है, मुझे भी जाके देखना पड़ता है,
सो देन वी सेड वेल दिस सो मच ऑफ एफर्ट एंड, और बार बार हम उनको कह रहे हैं कि भाई आप जो भेजें उसको मेक श्योर द ग्रामर इज करेक्ट, मेक श्योर द स्पेलिंग्स आर करेक्ट, मेक श्योर कि जो आप रेफरेंस दे रहे हैं इट्स करेक्ट, राइट? तो देन दोज वर नॉट करेक्ट, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम पीपल हु आर वेरी वेल एजुकेटेड, यू नो, एंड दे आर वेल रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. उनको बड़ा निमंत्रण आमंत्रण क्या जो भी सही शब्द हिंदी का से बुरा, बड़े बड़े मंचों पे बुलाया जाता है, बड़ा बड़ा सम्मान किया जाता है उनका, उनकी बात कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी सैड. सो दैट इज, और कभी उनको उल्लेख करो बुरा मान जाते हैं, फिर वो दे गेट वेरी अपसेट अबाउट इट, राइट? सो बड़े बड़े रामायण सेंटर्स चला रहे हैं, मुझे, मैं जानता हूँ उन लोगों, व्यक्तिगत उनको जानता हूँ, रामायण सेंटर के अध्यक्ष हैं, और उनको एक पैराग्राफ हिंदी का लिखते हैं उसमें देर आर एरर्स टाइपोस, यू नो. सो दिस अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. इस दैट प्रॉब्लम हैज नथिंग टू डू विद दिस पर्टिकुलर डोमेन जो हम आज बात कर रहे हैं. ये प्रॉब्लम, मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ, मैनेजमेंट के दो जर्नल्स मैंने इस्टेब्लिश किए, देर इंटरनेशनल जर्नल्स, एंड आई एम चीफ एडिटर ऑफ दैम. एक का 27 साल को हो गए, एक दूसरे को 17-18 साल हो गए. आपको पहले पहले को तो मैंने भी छोड़ दिया, रिटायर्ड फ्रॉम दैट रिसेंटली. एंड आई सी दैट प्रॉब्लम विद पेपर्स कमिंग फ्रॉम इंडिया, 90% पेपर्स हैव वेरी सीरियस प्रॉब्लम. ओरिजिनलिटी, राइटिंग, ग्रामर, न्यूनेस, सिग्निफिकेंस, एंड आई टू रिजेक्ट दम. मैं अपने अपने अच्छे अच्छे दोस्तों के पेपर रिजेक्ट कर चुका हूँ. फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम अंडरस्टैंड इट, और दोस्ती नहीं छोड़ी है, दो चार ने छोड़ भी दी है. अब वो तो जो होता है सो होता है. सो इट्स अ वेरी गुड थाट, बट द प्रॉब्लम इज मच मोर सीरियस, राइट? यू नो, मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, मैं बार बार आप लोगों को प्रश्न भेजता हूँ और आपसे उत्तर मिलता है. अभी जैसे अभी मैं गायत्री मंत्र के बारे में विचार कर रहा था, गायत्री मंत्र का सोर्स क्या है, वेर इज इट, यू नो. सो आई या तो वो, हाँ, हमारे वेदों में लिखा हुआ है सब, ये स्टैंडर्ड आंसर है. अरे भाई वेद मत बताओ उसे, किस वेद में, चार वेद हैं और उस वेद में कहाँ पर है, इतना मोटा वेद में कहाँ खोल के बैठूंगा. बट दैट आंसर, यू नो, जो बड़े बड़े आचार्य उनको नहीं पता, क्योंकि अगर वेदों में है तो किस वेद में है, या पूरा वहाँ पर है तो वो किस, उसको उसका छंद का क्या प्रकार है. और बचपन से गायत्री मंत्र पढ़े जा रहे हैं बट नो आइडिया, राइट? सो ये दीज आर सम वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, यू नो. और जब मैंने जैसे एक्सपर्ट्स को मैं पूछता हूँ इस तरह के प्रश्न, तो आइदर दे डोंट गिव मी द आंसर, जनरली दे दे अवॉइड आंसर, दे डोंट गिव बिकॉज दे डोंट हैव इट. सो दे नीड टू, वो विच इज़ फाइन, बट देन यू नीड, यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू डू द रिसर्च एंड रिस्पॉन्ड इफ यू क्लेम्ड एन एक्सपर्टीज इन दैट, राइट? तो ये एनी वे, आई थिंक हम भटक रहे हैं, लेट्स नॉट डिस्कस दिस थिंग्स, ये गलत दिशा में जा रहे हैं. बट थैंक यू दिनेश जी, इट्स वेरी वेरी सेंसिटिव इशू, इज वेरी टची इशू, एंड सोसाइटी एट ए हायर लेवल हैज़ टू एड्रेस. जैसे यूनिवर्सिटीज़ के सारे वाइस चांसलर्स हैं, दे शुड थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम, बट दे डोंट. यू नो कि ये हाउ डू यू ब्रिंग दैट क्वालिटी, यू नो, हाउ डू यू फोकस ऑन दैट. धकाधक सबको पीएचडी देने से क्या फ़ायदा है, यू नो. हमारे हमारे ग्रुप में कितने सारे लोग पीएचडीज हैं, एंड देन व्हेन आई लुक एट देयर क्वालिटी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, देर आर एक्सेप्शंस, एंड क्वालिटी इज सो पुअर, इट इज शॉकिंग. एनीवे लेट्स नॉट डिस्कस दिस, ये अगेन हम गलत. एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे अभी आपने गायत्री मंत्र का सोर्स क्या है, अभी हमने बहुत सारे विद्वानों से भी सुना, अपने योग गुरु से सुना कि वाल्मीकि रामायण का, कोई तो कहते हैं ना कि कौन से हर अध्याय के पहले उससे बना है, पर हम उसको न ढूंढ पाए, न पा पाए, न समझ पाए, न जान पाए कि किस आधार पर वो कहाँ से मिलता है, कैसे बनता है। तो अगर किसी के पास ये इसकी जानकारी हो तो प्लीज इसका एक बार सेशन जरूर रखवाइए कि वाल्मीकि रामायण से किस प्रकार गायत्री मंत्र उद्धृत हो रहा है। इनफैक्ट अभी जो हम लोग ये स्तुति पर बात करेंगे, तो एक ऐसी, मैं भ्रांति शब्द का तो प्रयोग नहीं करना चाहता, कि भाई अब 28 स्तुतियाँ हैं और 28 नक्षत्रों से जुड़ी हुई हैं. तो उस पर अभी मुझे किसी ने एक लेख भी भेजा है, किसने भेजा है ध्यान नहीं आ रहा मुझे, अभी कल परसों लेख भेजा है किसी ने, किसका प्रकाशित. तो फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि फिर स्तुति की व्याख्या क्या है. यह तो मैं कोई भी 28 पंक्ति पकड़ लूँ और रामचरितमानस में कह दूँ कि ये 28 नक्षत्र से जुड़ी हुई हैं, राइट? तो इस तरह जोड़ तोड़ से काम नहीं बनता है उसके. तो वो लेख को मैंने पढ़ना शुरू किया,
तो आप स्तुति की कोई व्याख्या ही नहीं है, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ स्तुति की व्याख्या क्या है, तभी तो हम जोड़ सकते हैं ना, क्या परिभाषा है, मैं कैसे पहचानूं कि कौन सी पंक्ति स्तुति है, राइट। तो आप शुरू करो तो वो जो क्या शुरू के 5 सुरठ हैं वो भी स्तुति हैं, प्रणवो पवन कुमार वो भी हनुमान जी की स्तुति है, तो उस हिसाब से तो रामचरित मानस में तो हजारों स्तुतियाँ हैं, तो स्तुति की व्याख्या क्या है। पर हमको 28 नक्षत्रों से जोड़ा, फिर बताया, मैं किसी बताया 28 नक्षत्र है नहीं, नक्षत्र 27 ही हैं, तो 27 नक्षत्र हैं तो फिर 28 की क्या बात हुई, तो फिर 28 स्तुति कहाँ से हुई। फिर कई बार क्या है, दीज थिंग्स आर काइंड ऑफ यू नो मैनेज्ड, दे आर जस्ट मैनेज्ड। अब मैं कोई 9 स्तुतियाँ पकड़ लूँ मानस में से, कि 9 ग्रहों से जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पर दाढ़ी मूछ लगा के भगवा वस्त्र पहन के स्टेज पे जाके ये बात कर दूँ, सब बोले अरे अरे गुरु जी कह गए, हाँ ये 9 स्तुतियाँ हैं, ये 9 ग्रहों से जुड़ी हुई हैं, और वो बात मतलब प्रचलित हो जाए, वो आ जाएगी लिटरेचर में, तो उसके पीछे कोई बेसिस कुछ नहीं है, राइट। तो आई एम नॉट सेइंग इसके पीछे बेसिस नहीं है, बट मेरा इन सब पर जरा बड़ा बहुत विश्वास रहता नहीं है। तो या तो पहले मुझे स्तुति बताइए, स्तुति की व्याख्या क्या है, तब मैं जानूँ कि भाई किससे क्या जुड़ा हुआ है। शायद यही बात जो आप कह रहे हैं गायत्री मंत्र उस पर लागू होती है, कि जो अब गायत्री मंत्र में कितने, अब आप कह रहे हैं 24 24 कहाँ, अब आप ओम भूर्भुवः स्वः उन तीनों वो कहाँ से आ गई, फिर पहले कहते ओम फिर भूर्भुवः स्वः फिर क्या है तत्सवितुर्वरेण्यम, क्या यही है ना, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, सही बोल रहे हैं, सही बोल फिर रहे उसके हैं। बाद में क्या है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अब ये 5 पंक्तियों हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो जो लास्ट 3 है वो गायत्री मंत्र है, और वो छंद है गायत्री छंद, और उसमें भी जो अंतिम है उसमें 7 ही हैं, तो ये भी 8 8 7 है। अब ये मुझे कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ, आचार्य ओम नीरव जी से, मुझे मेरा कोई ज्ञान नहीं, आप सबको बताए। और जो जो पहले के जो हैं ओम भूर्भुवः स्वः, ये जो 3 अंतिम है वो शायद कौन सा है पहला वेद, ऋग्वेद, 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 ऋग्वेद। और जो ओम भूर्भुवः स्वः वो किसी और वेद में। अब मुझे मैंने वेरीफाई नहीं किया, इसलिए मैं 100% नहीं कह सकता इस बात को। सो वी हैव टू देन दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ यू नो रिसर्च एंड थिंकिंग। पर हम लोग क्या कहीं किसी से सुन लिया, व्हाट्सएप पर पढ़ देख लिया, फट से उसको मान लेते हैं, राइट। तो वो जो ये वर्णिक छंद, संस्कृत का वर्णिक छंद है, गायत्री छंद है, परसों जो अंत जो 3 जो 10 पितुर्वर्ण से लेके आगे जो 3 पंक्तियां हैं वही गायत्री मंत्र है ओरिजिनल, बाद में ओम भूर्भुवः स्वः बाद में जोड़ गई। तो अब ये सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, अब मुझे कोट मत करिएगा कि वो ओम गुप्ता करके वहाँ बैठा हुआ है, वो अपने आप को जहाँ क्या 30 मार का समझता है उसने ये कहा है, तो मैं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा है, मुझे मुझे कोई मैं जो कह रहा हूँ मुझे इस पर खुद को विश्वास नहीं है। तो आप स्वयं इस पर थोड़ा सा रिसर्च करें, ये नहीं कि किसी कोई बड़े बाबा जी ने और दाढ़ी मूछ वाले ने और वो किसी बड़े वैदिक संस्थान या किसी बहुत बड़े मंदिर के बहुत बड़े पुजारी उन लिए के लिए इसलिए वो सच है, मैं इस बात में बिल्कुल नहीं मानता, राइट। तो क्योंकि वो एक परिपाटी चली आती है, एक ने कह दिया बाकी सब फॉलो करते रहा, उन्होंने कहा है तो ये सनातन सत्य होगा। मुझे इसमें थोड़ा सा मैं बनिया बनिया वाली वृत्ति एक में दिखता है, तो यार यार इसमें लगता है कुछ गड़बड़ है। एनी अदर सजेशन और थॉट आपके, आपको अगर गायत्री मंत्र के बारे में कुछ जानकारी हो तो मुझे भेजिएगा, आई विल रियली लव टू नो कि इसका रूट क्या है, फॉर्म क्या है, कैसे ये कुछ शाब्दिक अर्थ वगैरह मत पहुँचिए, वो सब जगह अवेलेबल है। देन आई विल एजुकेट माई सेल्फ। हाँ जी स्वर्णलता दीदी, आपको मेरा हिंदी में ज्यादा नॉलेज तो नहीं है। मैंने ये जो ग्रुप ज्वाइन किया है रामायण के छंद, ये जो दोहे हैं उनको याद हो जाए और उनको अपने जीवन में उतार सकूं, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। और रामायण में बनारस से हूँ, क्योंकि वहां पर बनारस में रामायण जो थी वो सुबह स्पीकर में सुबह 5 बजे बजती थी। वो मेरे से छूट गया था जब मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहने लगी, तो वो मुझसे छूट गया था। और कुछ दिनों में वो वहां से बंद भी हो गया था, स्पीकर्स उठवा दिए गए थे। तो वो जो बचपन में जब हमने वो सीखा था, तो वो फिर से वो वाला माहौल यहाँ पर मिला मुझे, कि हम रोज वीकली मतलब हफ्ते में 2 दिन होता है तो हम उसको याद कर पा रहे हैं, तो मुझे वो याद आ रहे हैं।
तो अभी जो राम स्तुति है, शिव स्तुति है, ये जो स्तुति है और संस्कृत के जो दोहे हैं उनका उच्चारण करना, हाई स्कूल में मेरे संस्कृत का जो थर्ड पेपर यूपी बोर्ड में होता है वो पूरे फुल में से फुल मार्क्स आए थे, लेकिन अब वो संस्कृत अब मुझे इतनी कठिन लगने लगी और इस इसमें ज्वाइन करने के बाद मुझे फिर से वो रिवाइव हो गए, तो सबके उच्चारण करना मैं सीख गई और जो एक दिन की क्लास थी वो मैंने ज्वाइन की थी तो वो मेरे को बहुत फायदा हुआ। हमारे जो दो ग्रंथ हैं गीता और रामचरितमानस, रामायण बोलेंगे, वाल्मीकि तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, रामचरितमानस, ये दोनों ग्रंथ जो हमारी संस्कृति के ग्रंथ हैं जिनको सब लोग बोलते हैं, अगर आपको उनका भाव पता है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल, तो उसको मैं उतारने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कितना कर पाती हूँ, तो वो मेरा था। मैं हूँ फार्मेसिस्ट से, लेकिन जो हमारे ग्रंथ है हमारी संस्कृति है उसको मैं कुछ कर पाऊँ, मैं अपने में उतार पाऊँ, जिससे कि मैं समाज में सोसाइटी में अब एक मेरे व्यवहार में आए और पीस को थोड़ा मैं कर पाऊँ, पवित्रता को थोड़ा कर पाऊँ, ऐसा वाला मेरा एक प्रयास था। बहुत मेरे सुंदर, मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते क्योंकि मैं याद करने के बाद फिर उसको कर पाती हूँ और बहुत कभी सुंदर, कभी ऐसा होता है बहुत छूट सुंदर, भी जाता है। बहुत जी सुंदर, बहुत हाँ सुंदर। भाई जीवन में उतार सकें, यही अल्टीमेट टेस्ट तो यही है। कितना भी ज्ञान हो जाए पर जीवन में नहीं उतारे तो फिर क्या ज्ञान, ज्ञान का क्या, धरा का धरा रह जाता है। चलो अब आई थिंक समापन करें, अनलेस कि somebody has anything to speak। तो बस अब हम चाहते हैं आप लोग जो भी आपका बाद में कोई फीडबैक हो, सजेशन, आज के कई अच्छे सुझाव आपने दिए और वी विल डेफिनेटली ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट। आपने भी नहीं जी, राम 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 भैया, स्वागत राम है। राम। वो एक्चुअली आप लोग बच्चों के लिए कोई क्लासेस वासेस नहीं रखते क्या मंदिर में, रख सकते रामचरितमानस को लेके या संस्कृत या कोई शब्दावली, जैसे कि यहाँ के हमारे अमेरिका में तो ह्यूस्टन में तो हिंदी में पढ़ाने में या ऐसे कुछ। हाँ नहीं, आप कहाँ पर हैं राजेश जी? मैं ह्यूस्टन में हूँ, शुगरलैंड। शोलैंड में? अच्छा, वो आप तो हमारे पड़ोसी हैं। नो वी वी कैन डू इट, यू नो, इफ एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू इट। हाँ सो जी यू लेट मी नो, देर आर इनफ नंबर ऑफ किड्स आर इंटरेस्टेड। हमने एक बार इसी ऑनलाइन पर वी डिड ए रामायण क्लास फॉर किड्स, 15-20 बच्चे, यू नो, ऑल ओवर वर्ल्ड जुड़े थे, ज़्यादातर तो US और इंडिया के से थे। हाँ जी हाँ हाँ, सो दे ज्वाइंट इट। सो यहाँ पर वी कैन डू इट ऑनलाइन, वी कैन डू फेस टू फेस, इफ देर आर जेन्युइन इंटरेस्ट, यू नो। अगेन वही बात, वो फिर बात वही आती है कि जेन्युइन इंटरेस्ट इज नॉट देयर। उसका उसका भी ऐसा था कि एक बार हम हमारे कुछ जी फ्रेंड, मेरे बच्चे एक्चुअली ऑलरेडी ना वो प्रज्ञा क्लास के लिए जाते हैं, वैदिक क्लासेस के लिए, हाँ तो वो तो अष्टलक्ष्मी मंदिर में ना, तो हम श्री राम मंदिर से भी जुड़े हैं, तो श्री राम मंदिर में मैं चाह रहा हूँ कि वहां पे भी कोई नॉर्थ इंडियन बच्चों के लिए कुछ ऐसे इनिशिएटिव शुरू की श्री जाए। श्री राम मंदिर कौन सा है? अब वो हिंदू वर्शिप सोसाइटी। और हिंदू वर्शिप सारी बात। हाँ नहीं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू कंडक्ट क्लासेस। यू लेट मी नो। मेरा तो जीवन इसी काम के लिए समर्पित है, हिंदू वर्शिप। मैं कैन कम एंड डू इट, बट यू नो ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस विद जियोपोलॉजिस्ट दैट सो मच आर पोलिटिकली ड्रिवन। अभी आई डोंट नो हिंदू वर्शिप का आजकल क्या हाल है। यहाँ पर पुलिस तक आ गई थी और यू नो इतनी मारपीट हुई है ट्रस्टियों में पहले, अभी थिंग्स में भी डिफरेंट टुडे, आई डोंट नो दैट। अच्छा तो अगर वहाँ ऐसा माहौल हो, आई विल वेरी वेरी हाँ, ऑनर्ड, बच्चों के लिए माहौल हो ना, मेन तो वही आई है। विल वेरी ऑनर्ड एंड वेरी प्रिविलेज टू कम एंड कंडक्ट क्लास देयर। तो अच्छा, हाँ, ठीक है, तो मैं आपसे अलग से फिर संपर्क प्लीज़ करूंगा। यू 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 कॉन्टेक्ट मी। आई कैन कंडक्ट क्लास फॉर चिल्ड्रन, कंडक्ट क्लास फॉर एडल्ट्स, बारिंग दिस जो ये जो हमारे ये ऑनलाइन पर का कार्यक्रम के टाइम के अलावा एनी टाइम एनी वेयर आई कैन कम। बस यही मेरा कमिटमेंट है, इस कमिटमेंट से निकलना थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा दिन में रात में जहाँ आप कहें मैं आने के लिए तैयार हूँ। बट देर हैज़ टू बी सीरियसनेस, यू नो। हाँ इट्स जी ऑल्सो बिकम ए प्लेस फॉर बेबी सिटिंग। कई बार क्या होता है, माँ बाप आके बच्चे को छोड़ जाते हैं फिर चले जाते हैं अपना काम करने, दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड, यू नो। उनमें एटलीस्ट पेरेंट्स शुड बी इट देयर एंड एंगेज इन लर्निंग समथिंग। शुड बी एन एंगेजमेंट।
हाँ, तो कई बार ऐसे क्लास हमने ये भी देखा है, माँ बाप बोलते हैं चलो यार 1 घंटे को 2 घंटे को बच्चे को वो ड्रॉप कर देते हैं, हम अपने जाके शॉपिंग वॉपिंग कराते हैं तब तक। दैट इज नॉट द स्पिरिट। जो मैंने रामायण बाल को बच्चों का पढ़ाया था, रामायण जी, पढ़ा, और आप लोग तो फिर इंग्लिश में पढ़ाते होंगे ना? हाँ, ऑफ कोर्स हियर यू टू डू इट इन इंग्लिश। थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर आई विल ट्राई। नहीं, यहाँ मतलब वो जो लिपि है वो तो इंग्लिश में होती होगी ना? हाँ, इट हैज़ टू बी डन कम्प्लीटली इन इंग्लिश एंड इट वाज डन। या दैट इज व्हाट माय चिल्ड्रन आर, वी वर इन इंडिया आल्सो, दिल्ली फॉर ऑलमोस्ट लाइक 8-10 इयर्स, द लास्ट 5 इयर्स ओनली इन द यूएस। तो हम लोग का तो बच्चों को, तीनों को हिंदी लिपि आती है, छोटी वाली को कम आती है, पर फिर भी हम लोग। हाँ नहीं, यहाँ पर तो वी हैव टू डू इट इन इंग्लिश बिकॉज़ यू नो योर किड्स कांट रीड हिंदी, हाँ जी, तो वो तो वो एक, हम मैं सोच रहा था वो इनिशिएटिव कैसे शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ के बच्चे का वो, हम तो चलो हमारी तो उम्र निकल गई अब, बट अरे मेन तो आप इन क्या, बच्चों आपकी का ना उम्र कि निकल आगे गई तो हम तो फ्यूचर कब्र का में घुस गए, ऐसा समझ लीजिए। आप इतने जवान लग रहे हैं, आपकी क्या क्या होगा। उम्र यंग होगी। मैन हमारे और 50 साल 60 साल निकाल ही लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ नहीं सर, आई बट विल बी हैप्पी टू डू दैट, सो लेट मी नो। ठीक है, हाँ जी, बट ये मैं क्या कि जो न्यू जनरेशन इज ग्रोइंग अप इन द यूएस, उनके लिए सिचुएशन हो जाएगा आगे जाके। हाँ आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट एंड यू जी, फ्रॉम नो। इनिशिएटिव, जैसे ये साउथ वालों ने तो, उन्होंने बहुत अच्छी तरह जोड़ के रखा हुआ है अपने बच्चों को, बट आई डोंट सी दैट इन द अदर रीजन्स सो मच। ना बिकॉज अदर रीजन पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, यू नो। अब वो अब अगर फिर वो उस विषय पे जाएंगे तो वो बात बहुत बहुत बढ़ जाएगी, तो लेट्स हाँ जी, सो नॉट वी नीड टू एड्रेस गो। दैट, यू नो, एज एज अ कम्युनिटी वी नीड टू एड्रेस दैट। सो आई एम रेडी सर, यू नो आई एम आई टू आई द हिंदू वर्शिप टेम्पल और श्री राधा कृष्ण टेम्पल या गौड़ियम्मठ टेम्पल, नहीं, आई हैव साउथ ऑफर्ड, साउथ टेम्पल में तो उन लोग ने अच्छी तरह जोड़ के रखा है, साउथ सो आई हैव वालों को ऑफर्ड देखना, माई नॉर्थ में सर्विसेज देखना ऑल है, दिस नॉर्थ टेम्पल, वेस्ट ईस्ट में देखना है कैसे एड्रेस करना बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। है। ऑल दे आर इंटरेस्टेड कि यहाँ पे आओ, हमारे हमारे भाषण सुनो, डोनेशन दे जाओ और खिसक लो यहाँ से। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। सो भाई साहब, वो बच्चों बच्चों का ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि ऑफलाइन में तो मैंने खा मैंने बताया ना सर जी, हमने रामायण का क्लास ऑनलाइन किया था, 2 साल जी। हो गए हो, शायद 2.5 साल हो गए हो। सो वी कैन डू दैट यू नो, पर वो वहाँ वो जनरल अंग्रेजी में करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में हमारे साथ जी करीब सारे बच्चे अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, हम भले ही लंबी चौड़ी बातें कर लें हिंदी की और इसकी यू नो। सो दैट्स द रियलिटी नहीं, अगर वास्तविक। अगर यूएस में ऑफलाइन करते हैं तो वहां के बच्चे लाभ पाएंगे, और यहाँ पर मतलब ऑनलाइन करते हैं तो सब पूरा हो जाएगा। तो चलिए, बस मैं आपको एक एक स्लाइड और बताना चाह रहा था, पर अभी उसको नहीं बताऊंगा। इस करीब करीब 4 साल इस ऑनलाइन प्रोग्राम को होने आए, अप्रैल में 4 साल हो जाएंगे, तो ये सब आपके प्रयासों से ही हो रहा है। दैट्स इसमें कोई दो राय नहीं है, एक मैं विनम्रता के रूप में नहीं कह रहा, यह वास्तविकता के रूप में कह रहा हूँ। ये वास्तविकता यही है, पर इसको अगर लगता है ये ठीक हो रहा है, वही जैसे मार्केटिंग में हम कहते हैं कि अगर ठीक हो रहा है तो और लोगों को जोड़िए, और ठीक नहीं हो रहा तो हमें बताइए कि हम इसमें सुधार कर सकें। और लोगों का जोड़ना ये आपकी जिम्मेदारी है, राइट? और उनको प्रेरित करना, क्यों, बहुत लोगों को रुचि है पर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। और हमारा एक कुछ ऐसा स्वभाव है, हमें तो बहुत इसमें अपवाद हैं मर्सीफुली, कि हम और लोगों से बात नहीं करते, क्योंकि वो लोग और लोग हमारी बात सुनते नहीं, इसलिए हम बात नहीं करते, क्या फ़ायदा नो। अब हम भी, हमारे परिवार कितना एक्सटेंडेड परिवार है, कोई इसमें नहीं जुड़ता, किसी को रुचि नहीं है, या मेरे परिवार में चाहे मेरे ससुराल में इतने बड़े लोग हैं, पर नॉट नो बड़े ज्वाइंस, तो ठीक है, नहीं जुड़ा, पर हमारे प्रयास तो है उनको पता, पता नहीं किसको रुचि आ जाए। तो और लोगों को जोड़िए, इसके रामचरित भवन के आप सदस्य बनिए, मेंबरशिप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू नो एस्टाब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा सारे कार्यक्रम में भाग लीजिए, जितने में आप आ सकते आइए, औरों को सूचित करिए, उनको प्रेरित करिए, सो देन थिंग्स। सो अब मैं इसके अलावा आई डोंट हैव मच टू से, अभी भी फिर भी अभी भी लास्ट मिनट आपको क्वेश्चन होता बताएंगे तो फिर हम समापन करते हैं। एनी बड़ी बृष्टि, आप पूछना चाहते हैं? सर, वो आपने जो अखंड हनुमान चालीसा पाठ का एक बार नहीं, बोला हनुमान था सर, चालीसा वो मैंने कब आपको पहले ही बताया था, कराएंगे? हनुमान चालीसा पाठ हम हनुमान जयंती पर करेंगे, है ना? जब हनुमान जयंती आएगी ना अप्रैल में, देन वी विल बी डूइंग दैट टाइम। जी सर, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके समय के लिए, आप पधारे।
और अभी जो रामायण क्लास में, अगले सप्ताह रामायण क्लास तो नहीं है, पर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर अब बन रहा है, और वी विल रिलीज दैट। इसके अलावा अगली 2024 में वी विल स्टार्ट न्यू ईयर विद भगवान श्री राम की स्तुति, भगवान शिव जी की स्तुति, गौरी जी की स्तुति। उस दिन 6 तारीख को तो स्तुतियों का गायन ही होगा, बस उसका आनंद लेंगे, भक्ति में डूबने का प्रयास करेंगे, और फिर उसके बाद में उन सब स्तुतियों पर बड़े विस्तार से चर्चा होगी। हाँ, तो उसमें आप जैसे जैसे समय आएगा, आई विल बी सेंडिंग यू इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। और बस अब 2024 का साल अब लगने वाला ही है भारत में, तो कुछ अभी एक दिन और शेष है, रहा है एक दिन शेष तो आपको नया वर्ष शुभ हो, राममय हो, और बस आपके खुशियाँ खुशियाँ। तो जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सुतो मा तस्गमयो, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।